प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के बाइबल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज एक बार और प्रभु ने इस तरह से अपने वचन के अध्ययन के लिए हमको जो मौका दिया है, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। पिछले कई हफ्तों से, 2 महीने से अधिक हो गए, हम लोग नीति वचन से 10 आज्ञाओं का अध्ययन कर रहे हैं। और 10 आज्ञाओं का अध्ययन करते समय मैंने कुछ बातें याद दिलाई थी, जो आज क्विकली आपको याद दिला दूं। नंबर 1, अपनी बाइबल लेकर बैठें, हाथ में लेकर बैठें। नंबर 2, अपनी डायरी साथ में रखें, और जो भी प्रकाश इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आपको देते हैं, उसको नोट करते चले जाएं। कल के लिए ना छोड़ें। जो हम सुनते हैं उसे लगभग 1 घंटे में पूरी तरह से भूल जाते हैं, और 24 घंटे में 99% भूल जाते हैं। जिसका मतलब यह हुआ कि जो प्रकाश हमारे मन में आता है, वो भी बहुत जल्दी हमारे मन से नष्ट हो जाता है। दूसरी बात मैंने आपको याद दिलाई थी, पुराने नियम में, व्यवस्था युग में ये 10 आज्ञाएं दी गई थी, जिसके कारण कई मसीही लोगों को ये गलतफहमी है कि 10 आज्ञाएं हमारे जीवन में प्रभावी नहीं है। जैसा मैंने कई बार याद दिलाया, 10 आज्ञाओं में से 9 आज्ञाएं नैतिक जीवन से संबंधित हैं, और नैतिक जीवन और आत्मिक जीवन से संबंधित होने के कारण उनका मूल्य शाश्वत है। और इस कारण हर युग के विश्वासियों को उनका पालन करना जरूरी है। 10 आज्ञाओं में से सिर्फ 1 आज्ञा है जो उनके सामूहिक जीवन से संबंधित आज्ञा थी, और वो है सबत का दिन पवित्र मानना। वो आज्ञा नए नियम में हट गई है, लेकिन जब प्रभु ने कहा कि हफ्ते में 1 दिन अलग रखना है, तो हमें ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि हफ्ते में 1 दिन जहां तक हो सके इवन नए नियम के विश्वासी लोग अलग रखें, और उस दिन प्रभु के वचन का ध्यान, मनन आदि कार्य में बिताएं। खासकर नौकरीशुदा लोग अपने बच्चों के साथ वो समय, वो हफ्ते में कम से कम 1 दिन जरूर बिताएं, ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। निर्गमन की पुस्तक 20वें अध्याय से हम 10 आज्ञाओं को देख रहे थे, जिसमें 13वां पद कहता है तू खून न करना। और पिछले 2 हफ्ते से हम तू खून ना करना का अध्ययन कर रहे थे। कुल मिला के 4 शब्द हैं, तू खून न करना या तू हत्या न करना, लेकिन उन पदों में जो बेसिक मूल आत्मिक तत्व छुपे हुए हैं, ये आत्मिक तत्व हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। और इस कारण 2 हफ्ते अध्ययन करने के बाद भी विषय समाप्त नहीं हुआ है। आज फिर से मैं आप सबका ध्यान मत्ती 5वें अध्याय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा मैंने इसके पहले सबको याद दिलाया था, प्रभु का वचन कहीं एक जगह एक आज्ञा देता है या एक चेतावनी देता है, तो कई बार उस आज्ञा या उस चेतावनी के बारे में जो विस्तार है, जो डिटेल्स हैं, वो प्रभु के वचन के अन्य भागों में मिलता है। और इसलिए जब हम अन्य भागों का अध्ययन करते हैं, तब कई बार समझ में आता, अच्छा प्रभु ने ऐसा जो कहा था उसका फलाना कारण है, और प्रभु जो कहते हैं उसका कारण ढूंढना, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि प्रभु ने जो आज्ञाएं दी उनमें कई आज्ञाओं के साथ प्रभु ने स्वयं कारण जोड़ दिया है, और इस कारण
इससे हम समझते हैं कि यदि प्रभु ने स्वयं कारण जोड़ दिया है तो उसका मतलब है कि जिन आज्ञाओं का कारण प्रभु के वचन में हमको मिलता है उन कारणों को भी जरूर देखते चले जाएं और अपने बच्चों को जब प्रभु का वचन सिखाते हैं तब ये कारण उनको बताते चले जाएं। खासकर 21वीं शताब्दी में जहां पर हर व्यक्ति को इस बात के लिए ट्रेन किया जाता है कि वो हर चीज का कारण समझे, उस कारण को समझने के लिए और उसके अलावा इस आज्ञा के विस्तार के लिए हमने पिछले हफ्ते उत्पत्ति 9 का 6 पढ़ा था। उत्पत्ति 9 के 6 में हम पढ़ते हैं, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य से ही बहाया जाएगा, क्योंकि देखिए कारण, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। यदि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है और बनाया है, प्रभु का वचन याद दिलाता है कि प्रभु ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, इस कारण जब हम दूसरे व्यक्ति के जीवन में किसी भी तरह का आघात पहुंचाते हैं तो हम परमेश्वर के स्वरूप के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। कई बार हम इसको याद ये सोचते नहीं हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ना केवल वे जिन्होंने उद्धार पाया है बल्कि जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, आपका पड़ोसी, आपका दुश्मन, आपके किराने की दुकान वाला जो हमेशा ये कोशिश करता है कि बेकार से बेकार चीज तौल कर कस्टमर को दे दे, आपका फल वाला जो ये कोशिश करता है कि सड़ा गला फल पहले बेचा जाए अच्छे फल के केयरऑफ में, ये सब लोग परमेश्वर के स्वरूप में सृष्टि किए हुए लोग हैं और इस कारण जब हम इन लोगों से बात करते हैं, इन लोगों ने हमारे विरुद्ध यदि कोई गलत काम किया है तो उस गलत बात को जब हम पॉइंट आउट करते हैं तब मन में ये बात हमेशा रखनी चाहिए कि ये व्यक्ति, ये अविश्वासी भी परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, इसलिए मुझे बहुत सावधानी से बात करनी है क्योंकि प्रभु का वचन ये आदेश देता है। उसके बाद तो ये पृष्ठभूमि है और ये कारण आज मैंने फिर से इसलिए बताया कि तू खून न करना या हत्या न करना, उस आज्ञा को, उस आज्ञा की गहराई, उस आज्ञा की गंभीरता और उस आज्ञा का जो विस्तार है जीवन के किस किस पहलू में उस आज्ञा का हमें पालन करना है, इसको यदि समझना है तो ये जो कारण है समझना जरूरी है। आगे मत्ती 5:17 को हमने पिछले हफ्ते पढ़ना शुरू किया था लेकिन खत्म नहीं किया था। मत्ती 5:17 में ये लिखा है, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बस प्रभु यीशु आ गया, पुराना नियम बेकार हो गया। कई लोग ये बोलते भी हैं, बिल्कुल गलत बात है। पुराने नियम के बिना नया नियम नहीं है, यह हमको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। और प्रभु ने इस बात को कई बार कहा है, यह 18वां पद जो है विशेष है, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। इसका थोड़ा सा विस्तार आपको बता दूं, मात्रा या बिंदु इब्रानी भाषा के दो चिन्ह थे, अक्षर नहीं, दो चिन्ह थे। जिस तरह से हिंदी में अर्ध विराम है, पूर्ण विराम है, कॉमा है। पूर्ण विराम तो बाकायदा खड़ी लाइन अपन डालते हैं जो बहुत बड़ा होता है, कॉमा जरा सा चिन्ह होता है। अंग्रेजी में पूर्ण विराम एक डॉट होता है। इब्रानी भाषा में इस तरह के दो छोटे चिन्ह हैं जो प्रभु के वचन में पुराने नियम में बहुतायत से मिलते हैं और उस चिन्ह के कारण वाक्य शब्द का उच्चारण बदल जाता है। प्रभु यीशु ने, देखिए ये मनुष्य का वचन नहीं है, प्रभु ने साक्षात, प्रभु यीशु ने कहा कि एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा, जिसका मतलब यह है कि जितना नया नियम हमारे लिए महत्वपूर्ण है उतना ही पुराना नियम हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फर्क सिर्फ इतना है कि पुराने नियम की जो
व्यवस्था है उसमें कर्म कांड से संबंधित जो व्यवस्था है हम उसके अधीन नहीं है। पुराने नियम में जो सामाजिक व्यवस्था दी गई थी हम यहूदी ना होने के कारण उस सामाजिक व्यवस्था के अधीन नहीं है, लेकिन उस सामाजिक व्यवस्था में जो अच्छी बातें बताई गई हैं उनका पालन करना, उनको समझकर उनका पालन करना हमारे लिए जरूरी है। उसके बाद 19वें पद को हमने पढ़ा था जहां लिखा है, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। मैंने ये बात याद दिलाई थी कि कई बार हम अपने बच्चों के सामने ऐसा गलत काम करते हैं जो बच्चे देख रहे हैं। किस उम्र से बच्चे इन बातों को समझते हैं ये भी हमको ऐसा लगता है कि 8-10 साल तक बच्चे कुछ नहीं समझते, गलत बात है। आधुनिक मनोविज्ञान ये बताता है कि बच्चे इवन 1 साल की उम्र में काफी सारी बातें हमारी बातचीत नहीं समझते हैं, लेकिन हमारा जो मूड है माँ बाप का उसको अच्छी तरह से समझते हैं और धीरे धीरे उनकी समझ बढ़ती चली जाती है। इसलिए छोटी से छोटी आज्ञाओं में किसी एक को तोड़े और वैसा लोगों को सिखाए, ये आज जो माँ बाप यहाँ प्रभु का वचन सुन रहे हैं, जो बड़े भाई बहन मंडली के जो अगुए हैं, जो संडे स्कूल टीचर्स हैं, मतलब जो भी उम्र में बड़ा है वो गलत कार्य जब करता है तो वो ना केवल परमेश्वर के वचन की आज्ञा को तोड़ रहा है बल्कि वैसा ही लोगों को सिखा रहा है। और प्रभु का वचन कहता है छोटी से छोटी आज्ञा को तोड़े तो वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। मैं याद दिला दूं, कई बार लोग टोक देते हैं, ब्रदर जॉनसन आपके कहने का मतलब ये है क्या कि स्वर्ग में भी छोटा बड़ा होगा? जी मेरे कहने का मतलब नहीं है, मैंने नहीं कहा, ये प्रभु के वचन से मैंने आपको पढ़कर सुना दिया है। और यदि आपको इस बात से कोई शिकायत हो तो सीधे सीधे प्रभु के पास ये शिकायत ले जाएं कि आपने कहा कि स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, जिसका मतलब है कि स्वर्ग के राज्य में भी छोटा बड़ा होगा। यदि प्रभु का वचन ऐसा कहता है और कहता है तो इस बात को याद रखें कि हम आज अपने जीवन में जो चुन लेते हैं उसका असर हमारे भावी जीवन पर होगा, जरूर होगा, और चूंकि यह प्रभु का वचन इसलिए होकर रहेगा। आगे प्रभु के वचन में हम देखते हैं, परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। मतलब प्रभु का वचन जब हम पालन करते हैं तो उसका अनुग्रह अलग है, और जब हम दूसरों को प्रभु का वचन सिखाते हैं मतलब कि ये करो ये तुमको अनुग्रह देगा तो उसका भी अलग से अनुग्रह मिलता है। और इस कारण हम सभी मसीही भाई बहन इन बातों को याद रखें कि हमें प्रभु के वचन का उल्लंघन नहीं करना है और हमें उनका पालन करना है और दूसरों को पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। 20वें पद में मत्ती 5:20 हम देखते हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न करने पाओगे। आप पूछेंगे कि ब्रदर जॉनसन आप तो तू हत्या ना करने की व्याख्या कर रहे थे और यहां क्या फरीसियों और शास्त्रियों के बारे में कह रहे हैं? इसका एक रहस्य है जो हमें समझना चाहिए। ये सब आपस में जुड़े हुए विषय हैं। कौन था शास्त्री? शास्त्री यहूदियों के बीच में एक समूह था जो एज्रा के समय से हुए हैं, उसके पहले भी हुए होंगे लेकिन एज्रा के समय उसको बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से उन लोगों को ट्रेनिंग देने लगे थे। शास्त्री वे लोग हुआ करते थे जो पुराने नियम की कॉपी करते हैं। याद रखें प्रिंटिंग की कला का आविष्कार मुश्किल से 5,500 साल पहले हुआ है, उसके पहले प्रिंटिंग की कला नहीं थी। प्रिंटिंग से मेरा मतलब है आजकल हर अक्षर जोड़कर जो प्रिंटिंग होती है, उसके पहले हिंदुस्तान में और चीन वगैरह में लकड़ी के ठप्पे बनाए जाते थे
जिसमें थप्पा बनाने का जो एक्सपर्ट होता था वो जो स्क्रिप्ट है उसको उल्टा लिखता था, उल्टा खोदता था। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने देखा है, मैं जहां ग्वालियर में रहता था उसके पास एक आदमी था जो ठप्पा बनाता था, आप उसको ले जाकर दे दीजिए, वो उसको उल्टा उसके ऊपर लकड़ी के ऊपर खोद कर बनाता था, जिससे कि उस लकड़ी पर स्याही लगा के आप वो ठप्पा लगा दें तो प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से तो किताबें पिछले 2000 साल में लोग बनाते आए हैं, लेकिन 2000 साल से पहले इवन ठप्पे की कला नहीं थी। उस समय पुराने नियम की जो कॉपियां हैं उसको हाथ से लिखते थे, हाथ से लिखना बहुत मुश्किल काम था। खासकर पुराने नियम जब लिखा गया इब्रानी भाषा में स्वर नहीं होते थे। अब जैसे आदि लिखना हो तो हिंदी में आ के ऊपर बड़े आ की मात्रा लगाई जाती है और दा के ऊपर ई की मात्रा लगाई जाती है, आदि में परमेश्वर ने, लेकिन इब्रानी भाषा में सिर्फ आ और दा, में के बदले मा, पा र में तो वहां पर भी मा, तो आ दा पा मा मा, इस तरह से उत्पत्ति का पहला वाक्य लिखा जाता था। एक और परेशानी थी, परेशानी ये कि शब्दों के बीच में गैप नहीं होता था, सारे शब्द जोड़ जोड़ के लिखे जाते थे। मतलब एक इब्रानी भाषा की बाइबल आप उठा लें, पुराने समय की बाइबल आप उठा लें, तो उसमें उत्पत्ति के पहले अध्याय से लेकर, पहले पद से लेकर मलाकी का जो आखिरी पद है, वहां ना तो स्वर है ना ही शब्दों के बीच में विभाजन है। इसको कौन कॉपी कर सकता है, एक औसत व्यक्ति के वश की बात नहीं है। इस कारण कॉपी करने के लिए एक्सपर्ट्स ट्रेन किए गए, खासकर इज़रा के समय से। और चूंकि ये लोग पुराने नियम की कॉपी करते थे, इसके कारण उनको पुराने नियम में काफी ज्ञान हो जाता था, और इस ज्ञान के कारण ये लोग बाइबल सिखाते भी थे। लेकिन क्या हुआ, इज़रा के समय से लेकर प्रभु यीशु के समय तक परमेश्वर का वचन सुबह दोपहर शाम हैंडल करते हैं, लिखते हैं, कॉपी करते हैं, और उसके अलावा उसकी व्याख्या करते हैं। इस कारण ये लोग बेहद घमंडी हो गए। एक बार जब आत्मिक जीवन में घमंड आ जाता है तो लोग दूसरों की हत्या शुरू कर देते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मसीही जीवन में घमंड के लिए कोई स्थान नहीं है। मसीही जीवन में सिर्फ नम्रता होनी चाहिए। लेकिन फरीसी, ये शास्त्री लोगों के मन में इतना घमंड भर गया था कि उन लोगों ने अपनी आज्ञाओं के द्वारा दूसरों की हत्या शुरू कर दी। प्रभु यीशु का समय आते आते शास्त्री लोग नंबर वन हत्यारे बन गए थे। आप पूछेंगे कि ब्रदर इसका कोई प्रूफ है क्या? क्यों नहीं, दुनिया में सबसे बड़ी हत्या किसने करवाई थी? दुनिया की सबसे बड़ी हत्या वो हत्या थी जिसमें संसार के सृष्टा निर्दोष व्यक्ति की हत्या सूली पर टांग कर करवा दी गई थी। क्यों क्यों किसने हत्या करवाई थी? शास्त्रियों ने। शास्त्री लोग थे जो प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाने के लिए सबसे आगे थे। तो ये शास्त्री लोग इज़रा के समय से प्रभु यीशु का समय आते आते इतने घमंडी हो गए थे कि इवन संसार के सृष्टा की हत्या के लिए उन्होंने पहला कदम उठाया। जिससे मैं ये बात याद दिलाना चाहता हूं, प्रिय भाइयों और बहनों, हम में से कोई भी व्यक्ति आत्मिक जीवन में घमंड ना करे। शास्त्री के साथ एक और कौम थी, फरीसी। ये कौन थे? एक बार जब आदमी के मन में घमंड आ जाता है तो उस घमंड के कारण धीरे धीरे वो परमेश्वर को त्याग देने लगता है। आप फिर पूछेंगे कि ब्रदर जॉनसन
तू हत्या ना करना, उस आज्ञा से इसका क्या संबंध है? बहुत संबंध है, जरा ध्यान से सुने। वो आज्ञा अपने आप में इतनी विस्तृत आज्ञा है कि हम इस बात को कई बार नहीं समझते कि हम हर दिन मनसा वाच्या कर्मणा दूसरों की हत्या कर रहे हैं। इसलिए प्रभु का वचन यहाँ जो कह रहा है उसको जरा अच्छी तरह से समझ लें। शास्त्री लोग घमंडी थे, प्रभु का वचन सुबह से शाम तक हैंडल करते थे, इसलिए उनको घमंड हो गया था, और घमंड के कारण उन्होंने ऐसे हजारों नियम बना दिए थे जिसके द्वारा लोगों को आत्मिक रूप से गुलाम बना दिया जाता था। आज भी हमारी मंडली में इस तरह के हजारों नियम लोग इम्पोज करते हैं। ऐसा मत करो, वैसा मत करो, वैसा मत करो, वैसा मत करो। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, सही है या गलत है ये नहीं। कोई जवान आपके चर्च में आता है, कॉलेज से सीधे सीधे आपके चर्च में आया, उसने बाकायदा मुझे बड़ा रखी है, फ्रेंच कट रखा है। तुरंत मंडली का कोई एल्डर उसको गर्दन से पकड़ लेता है कि अबे तू फ्रेंच कट के साथ चर्च में आया है, आइंदा फ्रेंच कट के साथ मत आना। यदि आपको लगता है कि फ्रेंच कट एक विश्वासी के लिए उपयुक्त नहीं है, है या नहीं ये मेरा प्रश्न नहीं है। यदि आपको लगता है कि फ्रेंच कट चर्च के अंदर उपयुक्त नहीं है, तो यदि आप किसी जवान से कहते हैं कि भैया फ्रेंच कट आइंदा फ्रेंच कट के साथ चर्च में ना आना, तो प्रभु के वचन से उसके कारण भी बताओ। यदि कारण नहीं बता रहे तो हम फरीसी हैं। फरीसी बस आज्ञा देता था, कारण कभी नहीं बताता था। इस तरह के हजारों नियम। मुझे याद है 1977 में, मैं उस समय एमएससी फाइनल में था, मैं एक चर्च में गया जहां मेरे मामा मिडिल वाले मामा वहां पर एल्डर थे। जाते ही उन्होंने मुझे कई सालों के बाद देखा था, देखते उनके रोंगटे खड़े हो गए, अरे बाप रे तूने मूछे रखी हैं। तो भाई हमारे चंबल इलाके में तो बिना मूछों के कोई मर्द समझा ही नहीं जाता है, और इस कारण मूछे रखी कौन सी बड़ी बात है, नाखून बढ़ रहे हैं, मूछे भी बढ़ रही हैं, इससे ज्यादा कभी नहीं सोचा था। मैंने कहा कि मामा जी मर्द हो तो मूछे तो होंगी, प्रभु ने तो वहां रखा है। तो उन्होंने बताया कि बेटा ये जो चर्च है जिसमें मैं एल्डर हूं, यहां पर मूछ यदि हो तो आपको प्रभु भोज नहीं दिया जाएगा। मैंने पूछा कारण, तो मामा जी बोले कि अब कारण तो प्रभु के वचन से कुछ नहीं है, लेकिन एक काम कर, तू मेरा भांजा है और तू मेरे साथ महीने भर रहने के लिए आया। एक्चुअली मैं मुझे स्ट्रोक हुआ था जिसके बाद उनके साथ रहने के लिए भेजा गया था। उन्होंने कहा कि तू मेरे साथ एक महीना रहेगा, और यदि तू प्रभु बोझ से भाग नहीं लेगा तो मुझे बुरा लगेगा और मेरा बड़ा अपमान होगा कि चर्च के एल्डर का भांजा आया है और वो मुझे रखे हुए, बाप रे। मामा की बात मैंने मान ली, मामा का मन रख लिया, मैंने मुझे साफ कर ली। बाद में कभी फुर्सत में मैंने मामा जी से पूछा कि मामा जी मूछे क्यों नहीं अलाउ करते। तब उन्होंने जो कहानी सुनाई वो कहानी सुन के मैं दंग रह गया। बाइबल से कोई कारण नहीं था, प्रभु के वचन से कोई कारण नहीं था, कारण कुछ और था। यह है फरीसीपन। इसी तरह से एक बार मैं एक और चर्च में गया, तो चर्च में एक बुजुर्ग खड़े हो गए, प्रभु के वचन से उन्होंने एक पद पढ़ा और उसके बाद लंबा लेक्चर दिया, आजकल जवान लोग मूछे रख के चर्च में आते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं। मेरी तो घिग्गी बन गई, क्योंकि उस चर्च में अकेला मैं था जिसकी मूछे थी, उसके अलावा एक और व्यक्ति था जिसकी मूछे थी। ये बुजुर्ग जो मूछों की बुराई कर रहे थे या मूछ शास्त्र वहां पर सुना रहे थे, उनकी भी मूछे थी।
तो मुझे लगा कि बुजुर्ग तो वो मूछ रख सकते हैं, जवान लोग नहीं रख सकते। अच्छा, उस दिन मुझे वहां संदेश देना था। संदेश के पहले मैंने उठ के एकदम से बोला कि यदि यहाँ पर किसी को मेरे संदेश में कोई आपत्ति हो तो मैं संदेश नहीं दूंगा। तब अन्य एल्डर्स ने खड़े होकर कहा कि जब एल्डर्स ने आपको संदेश देने के लिए बुलाया है तो दूसरों की बात सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन देख के मुझे ताज्जुब हुआ कि वो बुजुर्ग जो है उन्होंने जम के मूछ रखी है, लेकिन वहां पर खड़े होकर 20 मिनट उन्होंने मूछों के विरुद्ध लेक्चर दिया। ये है फरीसियों की धार्मिकता। और फरीसी लोग जब बेहद घमंडी हो गए तो इनमें से कई लोगों ने परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से तिलांजलि दे दी। प्रभु के वचन में वो गलत है, ये गलत है, ये गलत है, कुछ भी स्वीकार करने की जरूरत नहीं। ये थे फरीसी लोग। आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो चीज प्रभु के वचन के आधार पर नहीं कही जा सकती, उसे यदि आप किसी समूह के ऊपर थोपते हैं तो आप उस समूह की हत्या कर रहे हैं। आप उस युवा बच्चे या बच्चे की हत्या कर रहे हैं। यदि आप किसी बच्चे या बच्ची से, एक युवा या युवती से, एक भाई या बहन से यदि कहना चाहते हैं कि भैया फलानी चीज मत किया करो, तो उसके साथ जरा कारण भी तो बताइए कि फलानी चीज क्यों ना करें। जब हम लोअर केजी से उनको ये सिखाते हैं कि बेटा हर चीज के पीछे कारण होता है, तो जब हम उनको चर्च में कोई आज्ञा देते हैं तो उसका कारण बताइए। प्रभु का वचन कारण देता है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि कारण दे। लेकिन फरीसी लोग बिना कारण दिए हुए उन्होंने प्रभु यीशु के समय आते आते हजारों नियम बना लिए थे। इस कारण प्रभु ने कहा कि फरीसियों की धार्मिकता से बेहतर होनी चाहिए हमारी धार्मिकता, और शास्त्रियों की जो धार्मिकता है उससे बढ़कर हमारी धार्मिकता होनी चाहिए। इसके बारे में एक चीज और बताने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि उस धार्मिकता से बढ़कर कौन सी धार्मिकता होती है ये भी तो समझना जरूरी है। क्योंकि 21वां पद हत्या के बारे में डायरेक्टली बोलता है। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, लेकिन यदि पूर्व काल के लोगों से हत्या ना करना ये कहा गया था तो उसके पहले ये भी तो समझना जरूरी है कि यहाँ प्रभु ने शास्त्रियों और फरीसियों का नाम क्यों लिया। इसका मर्म अब मैं आपको जरा बता दूं। शास्त्री और फरीसी लोग ये दावा करते थे कि वे प्रभु के बच्चे हैं, नायक हैं, यहूदी समूह के या यहूदी समाज के नायक हैं। लेकिन इन लोगों की धार्मिकता सिर्फ यांत्रिक धार्मिकता थी, वास्तविक नहीं। आप पूछेंगे कि यांत्रिक धार्मिकता और वास्तविक धार्मिकता, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं क्या? धार्मिकता तो धार्मिकता होती है, ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन स्पष्टतया बताता है कि धार्मिकता अलग अलग प्रकार की होती है। फरीसियों और शास्त्रियों की धार्मिकता यांत्रिक थी। यांत्रिक का मतलब क्या होता है? मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? यांत्रिक धार्मिकता का मतलब यह है कि आप ये मान के चलते हैं मैं फलाना 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 काम करता हूं इसलिए मैं धर्मी हूं। आधुनिक उदाहरण ले लेते हैं। आज जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, लगभग सभी लोग ब्रदरन कम्युनिटी से आए हैं। ब्रदरन कम्युनिटी में कुछ चीजें हर व्यक्ति से उम्मीद की जाती है। ये उम्मीद की जाती है कि एक 15-16 होते होते आप बपतिस्मा ले लेंगे, और यदि किसी लड़के ने या लड़की ने बपतिस्मा नहीं लिया है तो माँ बाप उस पर जोर डालते हैं, खड़ा हो जा, गवाही दे दे, बपतिस्मा ले ले। उद्धार हुआ है या नहीं उसके बदले कई बार बच्चों को जबरदस्ती बपतिस्मा दे दिया जाता है। यह है यांत्रिकता। सी, बपतिस्मा उस व्यक्ति को लेना चाहिए जिसने उद्धार पाया है, और उद्धार वो व्यक्ति पाता है जो प्रभु के साथ व्यक्तिगत संबंध में आ चुका है, जिसने
प्रभु को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध पाया है। लेकिन बिना व्यक्तिगत प्रभु के साथ संबंध के जब किसी व्यक्ति को जबरदस्ती बपतिस्मा दे दिया जाता है तो उसका जो धर्म है, उसका जो मसीही जीवन है, वो यांत्रिक है, उसके अंदर कोई रियलिटी नहीं है। आजकल तो नकली पैसे नहीं चलते हैं और इस कारण पता नहीं आप में से कितने लोगों ने नकली पैसे देखे हैं। मैं आपको एक सिक्का दिखाना चाहता हूं, एकदम से स्पष्ट तो नहीं नजर आएगा लेकिन इसके बावजूद आपको दिखाई देगा कि यह तांबे का सिक्का है। आज से 400-500 साल पहले ये सिक्के चलते थे, आज किसी ने देखा नहीं है। और इसलिए जो सिक्का संग्रह करते हैं, जिस तरह से डाक टिकट संग्रह करते हैं, वैसे ही सिक्का संग्रह करने वाले ये सिक्के जिसमें 5 रुपए का तांबा लगा होगा और जो अलीगढ़ में 10 रुपए में बनवाया जा सकता है, ये सिक्का 100-100 रुपए, 200-200 रुपए में बिकता है। इस कारण लोग जम के इसकी नकल बनाते हैं। क्यों? एक नमूना अलीगढ़ में ले जाके दे दो, वो आपको जो है तुरंत सांचा बना के 100 सिक्के बना के दे देंगे, अब आप उसको 10 गुना कीमत में बेचिए। नकली सिक्का, असली सिक्का। असली सिक्का वो होता है जो सरकार ने चलाया होता है, नकली वो है जो देखने में उसके समान हो लेकिन जिसे सरकार ने नहीं चलाया। इसी तरह से असली मसीही जीवन वो है जब प्रभु के साथ एक आपसी संबंध के साथ हम आरंभ करते हैं। नकली मसीही जीवन या यांत्रिक मसीही जीवन वो है जब हम देखते हैं, अच्छा फलाना व्यक्ति एक मसीही विश्वासी है, 15 साल की उम्र में या 16 साल की उम्र में उसने बपतिस्मा लिया था, खड़े होकर उसने कहा कि मैं प्रभु को मानता हूं, मुझे बपतिस्मा चाहिए। मैं भी खड़ा हो गया, मैं प्रभु को मानता हूं, मुझे बपतिस्मा चाहिए, बपतिस्मा दे दिया गया। लेकिन प्रभु यीशु से जो व्यक्तिगत संबंध है वो नहीं आ पाया, यह है यांत्रिक जीवन। मेरे माँ बाप सुबह शाम प्रार्थना करते थे इसलिए मैं भी सुबह शाम प्रार्थना करता हूं। मैं ऐसे सैकड़ों मसीही लोगों को जानता हूं, मतलब जो बैकग्राउंड से मसीही हैं लेकिन जिन्होंने कभी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया, क्यों प्रार्थना करते हैं? ऐसा लगता है कि उनकी प्रार्थना जब वो करते हैं तो ऐसा लगता है कि स्वर्ग उतर कर हमारे सामने आ गया है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं। ग्वालियर की जो मंडली है जिसके बारे में ये अनाउंस करने वाले सब अपनी मातृ मंडली के रूप में बात करते हैं, मेरे लिए वो पितृ मंडली है। मैं लगभग 35 साल उस मंडली का सदस्य था। वहां पर विश्वासी लोग भी आते थे, अविश्वासी लोग भी आते थे, और कई बार ये अविश्वासी लोग प्रार्थना करते थे तो बाप रे, ऐसा लगता था कि मेरी आपकी प्रार्थना तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है कि इन्होंने प्रभु को कभी मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया था। मेरे फादर जो उस मंडली में प्रचारक थे, उन्होंने 50 बार उनको प्रभु का संदेश सुनाया होगा लेकिन उन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया। लेकिन क्या गजब की प्रार्थना थी! कैसी प्रार्थना है? प्रभु के साथ आपसी संबंध के कारण है क्या? जी नहीं, यांत्रिक प्रार्थना। फरीसियों का जो धर्म था वो महज यांत्रिक था, प्रभु से उनका कोई संबंध नहीं था, लेकिन उन्हें मालूम था कि एक यहूदी के जीवन में क्या होना चाहिए। सब करते थे, कुछ ज्यादा ही करते थे। यहूदी लोगों को ये आज्ञा थी कि वे प्रार्थना करें, फरीसी लोग तो नुक्कड़ों में खड़े होकर घंटों प्रार्थना करते थे, जिससे कि लोगों को लगे अरे बोप्रे कितना भक्ति व्यक्ति है। यांत्रिक, प्रभु से आपस में कोई संबंध नहीं था। प्रभु यीशु ने इसलिए कई बार फरीसियों के बारे में कहा, हे फरीसियों, हे शास्त्रियों, तुम पर हाय। प्रभु ने यह भी कहा था कि तुम करेत के बच्चे हो। एक्चुअली दुनिया में सबसे जहरीले 3 प्रकार के सांप होते हैं, उसमें से एक नाग, कोबरा।
दूसरा परिवार है करेत, जिसको इंग्लिश में क्रेट कहा जाता है। उसके बदन पर रिंग्स होते हैं। मैं जिस इलाके में यहां रहता हूं यहां पर भरपूर मिलते हैं, और रात को चलते समय सावधानी से चलना पड़ता है, क्योंकि करेत काट लेता है तो सामान्यतया आदमी की किडनी फेल हो जाती है। समय पर दवा ना मिले तो उसकी किडनी फेल हो जाती है, उसको कोई बचा नहीं सकता है। प्रभु यीशु ने कहा कि हे शास्त्रियों, हे फरीसियों, तुम तो वो जहर हो जिसने कभी किसी को काट लिया तो उसको दुनिया का कोई भी वैद्य नहीं बचा सकता। ये है यांत्रिक धर्म, मतलब वास्तविक धर्म के बदले जो यांत्रिक धर्म के पीछे भागता है वो दूसरों की हत्या करता है। वो एक सांप है, वो एक करेत है, जिसने काट लिया तो उसका काटा हुआ पानी नहीं मांगेगा, उसके पहले खत्म हो जाएगा। इतना कहने के बाद प्रभु कहते हैं तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने ना पाओगे। मतलब प्रभु से यदि आपसी व्यक्तिगत संबंध नहीं है तो स्वर्ग में प्रवेश करने नहीं पाओगे। लेकिन ये पृष्ठभूमि प्रभु ने क्यों बताई? इसलिए कि यदि मेरा और आपका धर्म, मेरे और आपका मसीही जीवन यदि सिर्फ बाहरी बाहर है तो हम जम के प्रार्थना करेंगे, जम के प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, सुबह से शाम तक घुटने पे खड़े होकर प्रभु का वचन पढ़ेंगे, दूसरे मसीहियों से मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं बोलेंगे, लेकिन अक्सर ये सब कुछ जो बोल रहे हैं उसके साथ एक वाक्य जो बीच में आप सरका देते हैं वो वाक्य उस व्यक्ति की हत्या के लिए पर्याप्त होता है। मैंने ये सरका देते हैं शब्द को क्यों यूज किया, उसके पीछे कारण है। कई बार हम जानते हैं कि सुबह सुबह जब अखबार वाला आता है और यदि दरवाजा बंद हो और यदि घर के सामने डाल के चला जाए तो दूसरे लोग उठा ले जाएंगे, इसलिए वो लोग दरवाजे के नीचे जो जरासी जगह वहां से अंदर सरका देते हैं, पोस्टमैन अंदर सरका देता है। वो नॉर्मली देने से बिल्कुल अलग है। इसी तरह से एक मसीही जिसका मसीही जीवन सिर्फ यांत्रिक है वो दूसरों के सामने लंबी चौड़ी प्रार्थना करता है, प्रभु के वचन से कोई भी विषय पूछ लो उस विषय के ऊपर वो पद बता सकता है, प्रिंसिपल बता सकता है, सब कुछ बता सकता है, लेकिन प्रभु से व्यक्तिगत संबंध ना होने के कारण ये सारा कार्य उसका पाप स्वभाव है जो उसके उससे करवा रहा है। ये फरीसियों की धार्मिकता है, शास्त्रियों की धार्मिकता है, और उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? 50 प्रभु के वचन से संबंधित 50 बातें वाक्य जब वो बोलता है तब उसके साथ साथ अपना जो पाप स्वभाव है उसके कारण एक ऐसा वाक्य भी सरका देता है जो सामने वाले की हत्या कर देता है, उसकी मानसिक हत्या करता है, उसकी आत्मिक हत्या करता है, उसकी सामाजिक हत्या कर देता है। मैं ऐसे बहुत सारे मसीही भाइयों बहनों को जानता हूं जो एकदम से निर्दोष, निष्कलंक और पीड़ित लोग हैं, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने जिनका धर्म या जिनकी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों की धार्मिकता है, लोगों ने इन लोगों को जो एडवाइस दिया है, जो सुझाव दिया है, जो 50 सुझाव दिए हैं उनके बीच में एक वाक्य जो सरका दिया उसके कारण उस व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो गया, उस व्यक्ति का जीवन तहस नहस हो गया। इसलिए प्रभु ने यहां पर यह हत्या के बारे में बोलते समय शास्त्री और फरीसियों के बारे में प्रभु ने इसलिए बोला कि जिन लोगों का मसीही जीवन महज यांत्रिक है, जो प्रभु से आपसी संबंध के कारण नहीं है, वे लोग हत्यारे हैं। सामाजिक रूप से हत्या करते हैं, मानसिक रूप से हत्या करते हैं, आत्मिक रूप से हत्या करते हैं, और कई बार जब बहुत ज्यादा सीमा से ज्यादा निकल जाते हैं तो डायरेक्टली भी वे लोग वाक्यों के द्वारा हत्या करते हैं। प्रभु ने याद दिलाया कि
उनकी जो धार्मिकता है उससे ज्यादा ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। जिसका मतलब यह है कि यदि हम अपने जीवन में इन चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे तो मनुष्य जो बोएगा वो काटेगा का पालन, उसका असर हमारे जीवन में होगा। इसके बाद इस पृष्ठभूमि के आधार पर 21वें पद में हम पढ़ते हैं मत्ती 5:21 में, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना। अपन ने उत्पत्ति से वो पद उसके बारे में पहला पद पढ़ा था, उसके अलावा पुराने नियम में और भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स है जहां कहा गया था कि हत्या ना करना। और उत्पत्ति में हमने देखा था जो खून करेगा उसका जो लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य के द्वारा बहाया जाएगा, उसके बारे में यहाँ विस्तार दिया हुआ है। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, इस संसार के सृष्टा साक्षात प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। जो हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, पुराने नियम में कहा गया है। लेकिन नए नियम में जब प्रभु का वचन हमको इन बातों के बारे में और विस्तार देता है तो प्रभु यीशु ने वहां विस्तार के साथ ये बताया कि भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। हम में से कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि हमने भाई से क्रोध नहीं किया है? हम में से कई लोग तो क्रोध की पोटली कंधे पे रख के हर जगह जाते हैं या नहीं जाते। भाई जो भी करता है वो उनको नहीं पसंद है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो चर्च में आ जाते हैं तो सबके दिल की धड़कन बढ़ जाती है कि अरे बाप रे, आज वो क्या बोलेगा, आज या क्या बोलेगा। इस तरह के लोग हैं मंडली में। और कई बार क्या होता है कि प्रभु भोज के बाद जब अनाउंसमेंट का समय आता है तो इस भाई ने जरा खखारा तो मंडली में सबको सांप सूख जाता है कि अरे बाप रे, आज क्या आग उगलेगा। जब प्रभु यीशु ने कहा मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, तो ये एक सैद्धांतिक बात नहीं थी, ये एक बहुत प्रैक्टिकल बात थी। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ब्रदरन असेंबलीज का जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह से हमारी मंडली में एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो कि नए नियम के अनुसार है, उसमें इस तरह के लोग जो अपने भाई पर क्रोध करने के लिए हमेशा तैयार है, इन लोगों को काफी आजादी होती है। प्रभु ने नहीं दी है लेकिन अपने आप ये लोग ले लेते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं। आज से 20 साल पहले की बात है, मैं केरल में आया था, यहां की भाषा सीख रहा था। आज जिस तरह से धारा प्रवाह केरल की भाषा बोलता हूं तब नहीं बोल पाता था। उस समय मैं जहां से अभी संदेश दे रहा हूं, यहां से 150 किलोमीटर दूर एक बाइबल स्कूल में क्लास लेने के लिए जाता था। एक शाम को मेरे कजिन ब्रदर ने मुझे बुलाया कि जॉनसन, यहां पर एक मसीही हॉस्पिटल है, यहां पर कई डॉक्टर लोग अभी नए नए अपॉइंट हुए हैं, ये सब के सब गैर मसीही लोग हैं, इन्होंने प्रभु को ना तो मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है ना ही प्रभु के बारे में कुछ जानते हैं। आज शाम को हम लोग ट्रस्टीज चाहते हैं कि तुम आकर एक संदेश दो जिसमें प्रभु का शुभ संदेश सुनाया जाए, जिससे कि उन लोगों को पता चले कि उद्धार जरूरी है। मैंने कहा कि बड़े भैया, मैं मलयालम धारा प्रवाह छोड़िए इवन ढंग से नहीं बोल पाता, मैं क्या संदेश दूंगा। तो उन्होंने कहा कि ये सारे डॉक्टर केरल के बाहर के बाहर से आए हैं और इस कारण वे लोग मलयालम नहीं जानते, इसलिए तुम या तो हिंदी में संदेश दो या इंग्लिश में दो। इंग्लिश में दो तो
कुछ ज्यादा शायद लोग समझ सकेंगे, तो इस कारण बाकायदा मुझे केरल के बाहर के डॉक्टर्स को अंग्रेजी में गॉस्पल सुनाने के लिए बुलाया गया था। खुशी खुशी मैं चला गया। उस शाम को मेरे ये जो कजिन है ये अगुवाई कर रहे थे, लगभग 50-60 भाई बहन थे। बड़े भैया ने खड़े होकर कहा कि आज हम एक गॉस्पल मीटिंग के लिए एकत्रित हुए हैं, हमारे बीच में कई डॉक्टर लोग आए हैं जो मलयालम नहीं समझते हैं, और चूंकि वे लोग मलयालम नहीं समझते हैं इस कारण अंग्रेजी में संदेश दिया जाएगा। ये संदेश हमारे लिए नहीं है, हम सब विश्वासी लोग हैं, हमारे लिए नहीं है, ये संदेश उन डॉक्टर्स के लिए हैं जो हमारे बीच में आए हैं और जिन्होंने प्रभु यीशु के बारे में नहीं सुना है। मैं खड़ा हो गया, संदेश देने लगा। चार वाक्य बोले थे कि ऑडियंस के बीच में ऐसा शोर हुआ जैसे कोई शराबी चिल्ला रहा हो। एक भाई थे, बस उठ के ऐसा चिल्लाए कि मेरी तो घिग्गी बंद गई, क्योंकि इस तरह के एक परिष्कृत समाज में इस तरह से लोग बोलते नहीं हैं। चिल्ला के बोले, हम सब मलयालीज हैं, मलयालम में बोलो। मैंने कहा कि मुझे यहाँ इंग्लिश में बोलने के लिए बुलाया गया है, मैं वैसे भी मलयालम धारा प्रवाह बोल नहीं पाता, और जिन्होंने इस मीटिंग में इंट्रोडक्शन दिया था उन्होंने साफ साफ बोला था कि मैं अंग्रेजी में संदेश दूंगा, इस कारण मैं अंग्रेजी में ही आगे बढ़ूंगा। वो भाई इतने नाराज हो गए, इतने नाराज हो गए कि 45 मिनट जो मैंने संदेश दिया, 45 मिनट वो खिड़की के बगल में बैठे थे, बार बार खिड़की को भड़काएं। अच्छा, वहां वो शायद चमड़े का जूता पहन के अंदर आ गए थे, चमड़े के जूते के नीचे बजरी आ जाती है तो आप पैर आगे पीछे करेंगे, वो बहुत बुरी आवाज करता है। 45 मिनट वो चमड़े के जूते को आगे पीछे करते रहे, मतलब जूता पहने पैर को, तो वहां नीचे से भी आवाज आए और खिड़की भड़बड़ाते रहे। ये हत्या नहीं तो क्या है? क्रोध, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। जब ये हम कहते हैं, ये प्रभु का वचन कहता है, तो कई बार हम छोटी छोटी बातों में ये भूल जाते हैं कि हम क्रोध कर रहे हैं और ये कचहरी में दंड के योग्य है। बाद में मैंने बड़े भैया से कहा कि देखिए मेरी तो स्थिति बड़ी आज विकट हो गई थी, वो भाई आवाज कर रहे थे, उसके साथ मैं संदेश तो और माइक नहीं था, मेरी वैसे ही पतली आवाज है, बिना माइक के मुझे बड़ी परेशानी होती है। और मैंने पूछा कि बड़े भैया उन डॉक्टर्स ने क्या सोचा होगा? तो बड़े भैया ने सर पकड़ लिया, वो बोले कि छोटे भाई आज सब गुड़ गोबर हो गया, इसलिए कि वे लोग प्रभु यीशु और प्रभु यीशु के शिष्यों का आदर करते थे और आज वो सारा का सारा आदर उनके अंदर से निकल गया, जैसे किसी ने भूत झाड़ दिया हो और भूत निकल गया हो। मैंने पूछा कि आप उस भाई को क्यों आपने मना नहीं किया? तब उन्होंने बताया कि मैं क्या करूं छोटे ब्रदर, वो इस मंडली का सदस्य है और जब वो आता है तो आपको याद होगा पुराने जमाने में धोबी गधे के ऊपर बहुत बड़ी पोटली बांध के कपड़े ले जाता था नाले में धोने के लिए। तो मेरे कजिन ने बताया कि छोटे भाई वो भैया जब चर्च में आते हैं तो वो क्रोध की इतनी बड़ी पोटली लाते हैं कि गधा पर्याप्त नहीं होगा, हाथी के ऊपर रख के लाना होगा। हम लोग हैरान हैं, हम लोग परेशान हैं, लेकिन यह है कि उस भाई को रोक नहीं पाते। ब्रदरन असेंबलीज का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है कि ऐसे लोगों को रोकना कई बार मुश्किल हो जाता है।
लेकिन एक बात बताएं, मैंने ये घटना क्यों बताई? हमको कई बार लगता है कि मैं क्रोध नहीं करता, ये आपके गलत फहमी है। हम में से हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से क्रोध करता है। उस क्रोध के द्वारा हम अपने भाई की हत्या कर रहे हैं। उस दिन वाकई में मानसिक रूप से मेरी हत्या हो गई, क्योंकि मैं उन अविश्वासियों को प्रभु के पास लाने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ वो 45 मिनट जो है खिड़की भड़बड़ाए जा रहे हैं और साथ में जूते की आवाज, बजरी की आवाज। हम में से कई लोग इन बातों के दोषी हैं। इस बात को याद रखें, मैंने 2-3 जो उदाहरण दिए, ये उदाहरण इस बात थोड़े से एक्सट्रीम उदाहरण है, लेकिन ये एक्सट्रीम उदाहरण इसलिए दिए कि उसके आधार पर हम इस बात को कभी ना भूलें कि हम क्रोध करते हैं, हम अपने भाई पर क्रोध करते हैं, हम अपनी बहन पर क्रोध करते हैं, हम बच्चों से क्रोध करते हैं। मैं एक ऐसे प्रचारक को जानता हूं जो चर्च में यदि कोई बच्चा रो दे तो बस फट पड़ता था और बाकायदा उनको चर्च से बाहर निकाल देता था। क्रोध करना कचहरी में दंड के योग्य होगा। तो जब प्रभु का वचन ये कहता है कि तू खून न करना, तो ऐसा न सोचें मैंने कभी बंदूक हाथ में नहीं लिया है, मैंने कभी तलवार हाथ में नहीं लिया है, मैंने कभी किसी को जहर नहीं दिया है और इस कारण मैंने कभी किसी की हत्या नहीं की है। जो व्यक्ति इस तरह से सोचता है वो 2-4 प्रश्न अपने से पूछ ले। नंबर 1, मैंने अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा अपने बच्चों को, अपने छोटे भाई बहन को प्रभु के वचन का उल्लंघन करना सिखाया है क्या? और यदि सिखाया है तो मैंने उसकी आत्मिक हत्या की है। नंबर 2, मैंने मेरा जो आत्मिक जीवन है वो यांत्रिक है या प्रभु से मेरा व्यक्ति संबंध है? यदि यांत्रिक है तो उसका मतलब है मैं हर दिन लोगों की हत्या कर रहा हूं। तीसरी बात जो हमें अपने आप से पूछना है वो है कि भाई से क्रोध करते हैं क्या, बहन से क्रोध करते हैं क्या? यदि भाई कुछ पूछता है तो तुमको दिखाई नहीं देता है क्या? इतने लंबे वाक्य को बोलने के बदले इतना बोलना पर्याप्त होगा, 2 मिनट में ये काम खत्म कर लूं। यदि कोई पूछता है तो तुमको समझ में नहीं आता है क्या, उसके बदले 1 मिनट रुकना मैं ये काम खत्म कर दूं, ये 1 मिनट मैं फलाना काम कर रहा हूं उसमें लगा हूं मैं खत्म कर दूं। दोनों एक ही विषय के बारे में है, एक क्रोध के द्वारा, एक नम्रता के द्वारा। प्रभु का वचन याद दिलाता है कि जो अपने भाई से, मतलब भाई बहन किसी के ऊपर भी क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। आज हम अपने आप को अच्छी तरह से जरा जांच लें, हम में से कौन इन आज्ञाओं को तोड़े बिना, इन आज्ञाओं के उल्लंघन के बिना अपने आत्मिक जीवन को बिता रहा है। इन बातों को समझने के लिए प्रभु हम में से हरेक की मदद करे। विषय मैंने सोचा था कि आज समाप्त हो जाएगा, आज समाप्त नहीं हुआ है, प्रभु ने मदद की, तो अगले हफ्ते भी हम इसी विषय को कवर करेंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है। जय मसीह की।